मैं 1980 से इस शहर में कम्युनिटी में स्लम एरिया में सोशल वर्कर के रूप में काम करती हूँ। ज़्यादा करके मैं पिछले 20 सालों से आँखों की बीमारियाँ और लोगों की जो समस्या है उसके ऊपर अभी काम कर रही है। हमारे आदित्य जो फाउंडेशन में हम लोग तीन टीम मिल के एरिया में जो 23 बॉम्बे में जो 23 वार्ड है उसमें हम लोग डायबिटीज़ के ऊपर हर अलग अलग जगह में काम कर रही है। और ये हमारा काम हर दिन डोर टू डोर सर्वे से शुरू होता है। सर्वे करने के टाइम मैं हर घर में दरवाजे पे नंबर डालती हूँ और मेरे साथी जो मेरे साथ में काम कर रहे हैं कम्युनिटी हेल्थ वर्कर है वो हर घर में सर्वे करते हैं। सर्वे में पूरी फैमिली हिस्ट्री लेते हैं और फैमिली हिस्ट्री पूरा लेके एक रजिस्टर बनाते भरते हैं। सर्वे होने के बाद हम लोग 30 के ऊपर जो लोग हैं उनको हम लोग सुबह जाके खाने से पहले जो ब्लड शुगर है वो हम लोग चेक करते हैं और उनको तुरंत हम लोग उनका रिपोर्ट देते हैं। और ये रिपोर्ट देने से लोगों का हमारे ऊपर जो विश्वास है अधिक से अधिक बढ़ता है। कितना लेना है? 113 नॉर्मल है। डायबिटीज़ का रिपोर्ट होने के बाद हमारी वैन सभी सुविधा के साथ और ऑप्टोमेट्रिस्ट लेके हमारे एरिया में आते हैं और हमारे जो पेशेंट डायबिटिक के हैं उनके आँखों की पर्दा की जांच पूर्णता करते हैं। उनमें जो मोतीबिंदु या ये जांच करने के बाद किसी को मोतीबिंदु निकलते हैं किसी को डायबिटिक रेटिनोपैथी होती है उनको वो पेशेंट को हम लोग वडाला हॉस्पिटल में रेफर करते हैं। और एरिया में ऐसे जनरली ज़्यादा पेशेंट होते हैं उनके लिए हम लोग उनके आँखों की जांच के लिए जनरल आँखों का काम रखते हैं। फाउंडेशन में कैंप्स करने के बाद मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि यहाँ पे तरह तरह के लोग आते हैं, बेसिकली इलिटरेट पीपल्स भी आते हैं जिनको कुछ पढ़ने भी नहीं आता है लिखने भी नहीं आता है, उनको भी हैंडल किया है हम लोगों ने। प्लस बच्चे भी आते हैं जो भी मतलब एज ग्रुप 3 ईयर्स के या 2 ईयर्स के भी होते हैं, उनको भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, हाई मायोपिक भी होते हैं। प्लस उनको पेरेंट्स को पता नहीं चलता है कि उनको विजन है एक्चुअली में या नहीं है। अगर वो वन आइड भी रहते हैं, वन आइड में ऑब्वियसली बच्चे को तो पता नहीं होगा कि उनका विजन कैसा है बिकॉज उनको इतना एज नहीं रहता है, इतना मैच्योर नहीं रहते हैं वो। प्लस पेरेंट्स जब यहाँ पर हम लोग को लेकर आते हैं सडनली जब उनका आई रेड हो जाता है या उनको डिफ़िकल्टी होता है वाटरिंग हो जाता है तभी अगर वो चेकअप के लिए हमारे यहाँ पर आते हैं तो उस वक्त पेरेंट्स को भी पता चलता है कि बेसिकली प्रॉब्लम क्या है। पेशेंट जब पहली बार हमारे पास आते हैं तब हम सबसे पहले उनका नज़र चेक करते हैं, उससे हमें एक आइडिया आ जाता है कि पेशेंट की आँख में कोई तकलीफ़ है या नहीं। उसके बाद बाकी मशीन्स पर हम उनकी आँख को डिटेल में जांच करते हैं, उससे हमें पता चलता है कि आँख में और कोई तकलीफ़ जैसे कि मोतियाबिंद या आँख में प्रेशर का जो ग्लोकोमा की तकलीफ़ है, नस पे जो डैमेज होता है वो तकलीफ़ या फिर पर्दे की तकलीफ़ डायबिटीज़ के वजह से आँख में कुछ परेशानी है या ये हमें बाकी मशीन पर देखने से समझ में आता है। अगर हमें लगता है कि उनका मोतियाबिंद पक चुका है और उन्हें ऑपरेशन की ज़रूरत है तो बाकी उनके सारे खून का जो टेस्ट है, आँख के जो लेंस की मेजरमेंट है वो सब हम यहाँ से करके वडाला में हमारा जो मेन हॉस्पिटल है वहाँ पे उन्हें ऑपरेशन के लिए भेज देते हैं। और कुछ अगर दिक्कत उनकी आँख में है जैसे कि आँख का प्रेशर हाई है या तिरछापन है तो बाकी जो हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर है पर्दे के डॉक्टर या फिर बच्चों की आँख के स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो वडाला में आते हैं उनके लिए हम उनको वहाँ पे रेफ़र कर देते हैं। पल्स में हम 4 से 14 साल तक के बच्चों की जांच करते हैं।
शुरू में नज़र की जांच होती है। नज़र की जांच करने के बाद में अगर 6-9 से जिनकी विजन कम होती है उनको हम ड्रॉप डाल के, डायलेटिंग ड्रॉप डाल के उनकी पुतलियां फैलाकर पीछे का पर्दा चेक करते हैं और उनका नंबर एक बार कंफर्म करके फिर उनको नंबर दिया जाता है। और उसके अलावा, नंबर के अलावा, उनका कलर विजन चेक किया जाता है, उनका स्टेरियोप्सिस के वो डेप्थ परसेप्शन उनमें कितना है वो चेक किया जाता है, नज़र का तिरछापन है या नहीं वो चेक किया जाता है, अगर है तो उसकी ट्रीटमेंट दी जाती है, उसके लिए थेरेपी दी जाती है। थेरेपी के अलावा कुछ सर्जरी की ज़रूरत होती है तो उसके लिए कंसल्टेंट के लिए भेजा जाता है हॉस्पिटल। ये सारी एक्टिविटीज़ करने का हमारा जो मोटिव है वो है कि हम इन सारी बीमारियों को इनिशियल स्टेजेस में पकड़ सके, क्योंकि अगर हम उनका ट्रीटमेंट जल्द से जल्द करवाते हैं तो वो उतने ज़्यादा एडवांस स्टेज में पहुंचते नहीं हैं जिसमें पेशेंट का नज़र बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है और पेशेंट को उसके बाद उसका इलाज करवा के जो बेनिफिट है वो भी पूरा नहीं मिल पाता है। वैसे ही अभी अभी हमारे चेंबूर एरिया में एक डायबिटिक पेशेंट का मोतीबिंदु था, उनका अभी अभी ऑपरेशन हुआ है हमारे वडाला हॉस्पिटल में। उनको बहुत 2-3 साल से मोतीबिंदु था, फिर भी वो करने के लिए तैयार नहीं थे। हमारे CAW और मैं खुद जाके उनको बहुत टाइम उनको समझाया, उसके बाद उनको तो भी उनको समझ दी कि ज़्यादा ये नहीं थी, तो भी अभी उनको ज़्यादा तकलीफ होने लगा, आँखों की नज़र कम होने आई, तभी उन्होंने खुद हमारे हॉस्पिटल में जाके अभी ऑपरेशन आँखों का, मोतीबिंदु का ऑपरेशन किया है। इब्राहिम भाई के घर में गए, उनका हालचाल पूछने गए तो देखा तो उनका परिवार और वो बहुत खुश थे। बार बार रिक्वेस्ट करती थी कि आप जल्दी से जल्दी कराओ, मैं थोड़ा लेट होने से वजह से मेरा टेलर का काम रहने से मैं आजकल करने में मेरा 1 साल का समय गुजर गया। ज्यादा समय अभी नहीं लेंगे, अभी डॉक्टर साहब की राय के हिसाब से चलेंगे। अभी मेरे को आने वाले एक हफ्ते 10 दिन के बाद में मेरे को बुलाए है तो मेरे को ऑपरेशन की तारीख देने वाले हो, दूसरी आँख का भी आप करा लो तो आप बहुत फायदे भी रह जाएंगे, तो मैं डॉक्टर की राय पे चलूंगा। अभी वैसा पहला जो मैं थोड़ा लेट हो गया वैसा गलती अभी नहीं होगी हमारे से। अब जैसे डॉक्टर साहब या आपके स्टाफ के लोग या सिंधे मैडम लोग कभी भी हमको अभी कॉपरेट करेंगे वो हिसाब से हम लोग बराबर इलाज करेंगे। यहाँ पर काम करते हुए मैं आँख के एंटीरियर सेगमेंट यानी सामने वाले हिस्से के पेशेंट्स का इलाज करता हूँ। मेरे पास आने वाले पेशेंट्स में कैटरैक्ट यानी मोतीबिंदु, ग्लोकोमा यानी कांच बिंदु, कॉर्निया और पीडियाट्रिक ऑफ्थाल यानी आँखों से संबंधित तकलीफ रहने वाले बच्चे, ये सारे पेशेंट्स आते हैं। मैं आमतौर पर रेटिना संबंधी केसेस देखती हूँ जिसमें मोस्ट कॉमनली डायबिटीज़ रिलेटेड आई कॉम्प्लिकेशन जिसे हम डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं और रेटिनल डिटैचमेंट देखने को मिलते हैं। हम सभी प्रकार की रेटिना की बीमारियों का लेटेस्ट टेक्नोलॉजी द्वारा डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट करते हैं। आदित्य ज्योत फाउंडेशन के रिसर्च डिपार्टमेंट द्वारा हम डायबिटीज़ का आँखों पर होने वाला असर, बढ़ती उम्र के वजह से आँखों के पर्दे पर होने वाला असर और कई सारे अनुवंशिक आँखों की बीमारियां है उसमें जो भी जेनेटिक मैकेनिज्म है और क्लिनिकल चेंजेस है वो हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। The clinical services are in ophthalmology is quite good and more so in the private sector than actually the government sector and this has to become much more uniform. But if you take research, once again the private sector plays a very, very important role. But then it has to go across and has to be much more from the government sector. And this will improve many things across the country, particularly the clinical services. And more we know. But the most important thing is that this kind of service is actually much less, particularly research, in the western part of India. Mumbai is actually the commercial capital and for many things it's number one in the country. But if you take medical research, it is not so. This has to improve. And for this you need more funding and you need more people to get into it and you need more expertise. हम अपने फाउंडेशन के माध्यम से लोगों को आँखों की बीमारियों के बारे में जागृत कराना चाहते हैं ताकि उनकी आँखें स्वस्थ और सुरक्षित रहें।
हमारे प्रोग्राम्स जो हैं सभी उम्र के लोगों को कवर करते हैं. अवर इनिशिएटिव इज टू इंक्रीज जनरल अवेयरनेस एंड हेंस कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एज दैट इज द की टू चेंज. As a founding managing trustee of Aditya Jyoti Foundation for Twinkle Little Lights, I'm very happy where we have started in 2005, June 30th, and we have reached now 2018. So we have already come to a good start, and probably we are working well with the 40 camps a month. So now my plan is I'm looking for a 2-acre plot, either to be given by the government or the municipal corporation or a private body. So when you get a land, either horizontal structure of 4 blocks or a vertical structure where the first block will contain the hospital, that is the eye hospital, which will cater to the poorest of the poor, to the richest of the rich, with the all the best equipment, with all the subspecialties in eye care. And we'll have a second block with the research, which will have the basic science to the clinical research, to the genetic research, where we'll have proteomics, cell biology, genetic engineering, biomedical engineering, etc. in the research, which will bring the research from the lab to the hospital. And the third block will have education training, where we'll have postgraduate training for eye doctors, for optometrists, for the social workers, operation theater technicians, for ophthalmic nurses, and various other people, including diabetic retinopathy screening. And fourth, we'll have a common place for a library, for a training sessions for when you do a nationwide diabetic retinopathy screening. And with all this put together, we'll be probably one of its kind in the Western India. Dr. S. Natarajan is a third generation eye surgeon, and he has chosen to work in Mumbai and is doing yeoman service by having started a hospital and also this foundation from 2005. And he is reaching out to millions of people by doing research, by doing various other services, correcting their vision, giving them cataract surgeries and specs and various other things. I request all the viewers to join this movement by donating very, very generously so that we can see an India where people do not suffer from vision problems.